नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी बात मुकेश के साथ में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब आप चंद पैसों के लालच की खातिर अपने देश की कमान किसी और देश के हाथों में सौंप देते हैं तो ये मान लीजिए कि उस दिन से आपके देश की बर्बादी का प्रारंभ शुरू हो जाता है। नेपाल का भी कुछ ऐसा ही हाल है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, उम्र 68 साल लेकिन जवानी अभी भी बरकरार। अब शर्मा जी का ऐसा हाल है कि कभी वो भारत की जमीन को अपना हिस्सा बताकर नेपाल की संसद में नेपाल का एक अलग ही मैप लॉन्च कर देते हैं, कभी वो भारत पर ये इल्जाम लगा देते हैं कि भारत के वजह से ही हमारे देश नेपाल में कोरोना वायरस फैला हुआ है, कभी वो बॉर्डर पर नेपाली आर्मी की ट्रेनिंग शुरू करवा देते हैं। अब शर्मा जी ने एक नया फुसकी बम छोड़ा है। उनके हिसाब से भगवान श्री राम नेपाली हैं, उनका जन्म अयोध्या में नहीं हुआ था। अब नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं, जो इन्होंने ये बचकाना बयान दिया है कि भगवान श्री राम नेपाली थे, उनका जन्म नेपाल में हुआ था, तो इस बात को लेकर ना भैया सोशल मीडिया पर उनकी जमकर ट्रोलिंग की जा रही है। और भैया मैं तो कहता हूँ होनी भी चाहिए, ऐसी बचकाना बयान दोगे तो होनी चाहिए, क्योंकि बात सिंपल सी है यार, आप किसी देश के प्रधानमंत्री हो, ना कि कोई स्टैंड अप कॉमेडियन हो जो जब जी में आए इंडिया के ऊपर कुछ भी बोल दो, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कुछ भी बोलकर वायरल हो जाओ। वैसे नेपाल खुद एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन जो ये केपी शर्मा ओली जी है ना, ये कम्युनिस्ट पार्टी से नाता रखते हैं। वहां पर जो नेपाल में इस वक्त गवर्नमेंट है वो कम्युनिस्ट पार्टी की है, और चीन में भी कम्युनिस्ट पार्टी ही चलती है, तो सोच लो गुरु कहां से ज्ञान ले रहे हैं। अब जो नेपाल के प्रधानमंत्री है, इन्होंने जो बचकाना बयान दिया है ना प्रभु श्री राम को लेकर, उसके बारे में मैं विस्तार में जाऊंगा, लेकिन उसके पहले जो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की जा रही है ना, उसकी कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि एक बात ये चल रही है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दिया विवादास्पद बयान, तैमूर नेपाली, भारत ने एक साजिश के तहत तैमूर को हमसे छीन लिया। अब कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो नेपाल का ऐसा इतिहास बता रहे हैं केपी शर्मा ओली के बयान के बाद, जिसे सुनकर भैया सच में हंसी आ रही है। जैसे कि ये वाला, अमेरिका की खोज नेपाली यात्री कोलंबस थापा ने की थी, सिकंदर भारत को जीतने निकला था लेकिन भारत बहुत दूर होने की वजह से काठमांडू के राजा पोरसनाथ ओली से हारकर वापस चला गया। वास्को डी थापा नेपाल से समुद्र घूमने निकला था लेकिन घूमकर वापस ही वो नेपाल की धरती पर आ गया। सर्वप्रथम एवरेस्ट फतह करने वाला व्यक्ति एडमंड ही ओली नेपाल का व्यक्ति था। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील ओली स्ट्रॉन्ग नेपाल का निवासी था। तो भैया अगर केपी शर्मा ओली की मानकर चले ना, तो दुनिया में जितनी भी जगह है ना वो सारी नेपाल की। तो अब आते हैं नेपाल की जो हिस्टोरिकल चीजें ना उसके ऊपर आते हैं, मजाक की बात को थोड़ा साइड में रख। तो दोस्तों बात ऐसी है कि नेपाल को पूरी दुनिया में हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर जो 80-85% की आबादी है ना वो हिंदू आबादी है। नेपाल का जो इतिहास है ना वो हजारों साल पुराना है। भगवान श्री राम की जो अर्धांगिनी थी माता सीता, उनका जन्म भी नेपाल के जनकपुर में हुआ था। अब प्रभु श्री राम जनकपुर के दामाद जी थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि केपी शर्मा ओली ये मानकर चल रहे हैं कि वो यहाँ के दामाद हैं तो उनका जन्म भी यहीं नेपाल में ही हुआ था। खैर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप भगवान श्री राम को नेपाली बताकर अपनी आस्था श्री राम में लगाना चाहते हो तो भैया भगवान श्री राम तो सभी के हैं, आप दिल से याद करोगे तो कोई भी धर्म मायने नहीं रखता है। अब मैं आपको नेपाल की कुछ हिस्ट्री बताता हूँ। ये जो हिमालय के आसपास का एरिया है ना, वहाँ पर आज से 9000 साल पहले मानव जाति ने बसना शुरू कर दिया, और इस तरह की बातें जो है ना वो नेपाल की जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं वहाँ पर लिखी गई है। एक अनुमान के अनुसार जो तिब्बत और बर्मा मूल के लोग थे ना, वो नेपाल में आज से लगभग 2500 साल पहले आकर बसना शुरू हो चुके। ईसा मसीह के जन्म से 5500 साल पहले जब माता कुंती अपने पांचों पांडव पुत्रों के साथ स्वर्ग लोक की तरफ जा रही थी, तब उसी वक्त भीम ने भगवान शिव को दर्शन के लिए याद किया था। तब भगवान शिव जी ने एक लिंग के रूप में आकर भीम को अपना दर्शन दिया था, जो आज पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ गौतम जो शाक्य वंश के थे, जिनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ, जिन्होंने अपना सारा राजपाट त्याग करके एक तपस्वी का जीवन जीने का
फैसला कर लिया था, जिन्हें आज लोग भगवान गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। एक बात आपको और बता दूं, जो ये सिद्धार्थ गौतम थे जिन्हें हम भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं, वो इक्ष्वाकु वंश के थे। अब इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ का जन्म हुआ, राजा दशरथ के पुत्र श्रीराम, श्रीराम के पुत्र लव और कुश। इसी के बाद में जो लव की जो वंशावली थी वो तो वही रुक गई, जो की लेकिन जो कुश की वंशावली थी वो लगातार आगे बढ़ती रही, और कुश के वंश में ही जाकर आगे शल्य हुए, जो कि कुश की 50वीं पीढ़ी के महाभारत काल में भी उपस्थित थे। इन्हीं शल्य की लगभग 50वीं पीढ़ी में भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। तो इसका जो क्रमानुसार है ना, मैं वो आपको कुछ इस तरह से बता। तो देखिए, शल्य के बाद बहतक्ष, रुक्ष, बत्सद्रोह, प्रतिव्योम, दिवाकर, सदैव, ध्रुवाश्व, भानुरथ, प्रतिताश्व, सुप्रतीप, मरुदे, सुनक्षत्र, किन्नराश्व, अंतरिक्ष, सुषेण, सुमित्र, बृहद्रज, धर्म, कृतज्ञ, व्रात, रणज्ञ, संजय, शाक्य, शुद्धोदन और फिर सिद्धार्थ हुए और आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाए। तो शायद ये वही बात है जिसे मानकर केपी शर्मा ओली ने शायद ये कह दिया कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ था और वो एक नेपाली थे। अब इक्ष्वाकु वंश के चलते राजा दशरथ, फिर प्रभु श्री राम, फिर कुश, फिर सिद्धार्थ, इसी तरह से वंशावली का खेल जो था लगातार चलता रहा। लेकिन केपी ओली शर्मा को अपना सामान्य ज्ञान ठीक कर लेना चाहिए कि भैया आप चीन की चापलूसी करो, जितनी करनी है उतनी करो, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, अयोध्या उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य है जिसके मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। और अगर उनका दिमाग घूम गया तो वो आपका सरनेम जो ओली है ना, उसे बदल कर गोली रख देंगे। लेकिन अब बात आती है कि केपी शर्मा ओली लगातार भारत के विरुद्ध ऐसे बयान दे क्यों रहे हैं। तो आपको बता दूं भैया कि केपी शर्मा ओली का ना काम तमाम हो चुका है। शर्मा जी हनी ट्रैप का शिकार हो चुके हैं और इस मामले में जो चीन की राजदूत है हो यांकी, उसने अपना काम कर दिया है। अब ये महिला चीन की राजदूत होने के साथ एक बहुत बड़ी मॉडल भी है। इसके चेहरे पर मत जाइए, इसकी उम्र 50 साल है, लेकिन इसको चीन ने सिर्फ इसी काम के लिए रखा है कि तुम अपने चीन के आसपास जितने भी छोटे छोटे देश है ना, वहाँ के बड़े बड़े लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाओ, उनका जो रिमोट कंट्रोल है ना वो हमें दे दो, उसके बाद जो करना है ना वो हम करेंगे। पहले इसने इमरान खान को अपने वश में कर पाकिस्तान में जो करवाना था वो करवाया। अब बारी नेपाल की है। नेपाल को जैसा चीन नाश नचा रहा है, केपी शर्मा ओली वैसा नाश नाच रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ी सच्चाई है, वो आपको अभी बताऊं। देखिए, नेपाल भारत के खिलाफ लगातार ऐसी बातें क्यों बोल रहा है, इसकी कई वजह है। एक वजह ऐसी है कि जो नेपाल है ना, वो आज की तारीख में बहुत बड़ा कंधा है जिस पर बंदूक रखकर चीन लगातार भारत की तरफ गोलियां बरसा रहा है। कोरोना की वजह से चीन का जो नाम खराब हो चुका है ना, बस उसी से ध्यान भटकाने के लिए चीन लगातार अपने आसपास के जितने भी देश हैं उन सभी से लगातार दुश्मनी किए जा रहा है। कभी वो रशिया के कुछ पार्ट को अपनी जमीन का हिस्सा बता देता है, कभी वो जापान से भिड़ जाता है, कभी ताइवान से भिड़ जाता है, कभी तिब्बत से भिड़ जाता है, तो कभी भारत से। गलवान में भी उसने अपनी दादागिरी मचाने की कोशिश की, लेकिन हमारे कुछ सिपाही वहाँ जरूर शहीद हुए, लेकिन उससे ज्यादा उनके सिपाही मारे गए। एक्चुअली चीन हर जगह ना अपनी दादागिरी कायम करने में लगा हुआ है। अब ये जो चीन की राजदूत है ना, ये दरअसल नेपाल की अघोषित महारानी बन चुकी है। इसे वहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मिलने के लिए किसी भी प्रकार की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इन दोनों के जो प्यार के किस्से है ना, जो लफड़े चल रहे हैं ना, वो पूरी नेपाल में चल रहे हैं और नेपाल के जो युवा है ना, वो लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं। दरअसल नेपाल का जो कृषि मंत्रालय है ना, उसका कहना है कि चीन ने तिब्बत में सड़क बनाने के बहाने नेपाल के 10 ऐसे बड़े जगह हैं जिसको अपने कब्जे में ले लिया है। वो होता है ना गांव देहात में लोग खेतों के बगल में जो चलने के लिए मेड़ बनाते हैं, आज उस पे मिट्टी डालते हैं, कल उसके बगल में फसल उगाना चालू कर देते हैं, फिर धीरे धीरे बातें बढ़ती हैं, फिर लाठियां चलती हैं और काम तमाम हो जाता है। ठीक यही काम चीन भी कर रहा है। नेपाल का एक गांव है रुई गांव, जिसमें 72 घर हैं। अब जो चीन है ना, उसे अपना बता रहा है। वो बोल रहा है कि यहाँ जो कुछ भी जगह है ना, ये रुई गांव हमारा है, अब आप लोग यहाँ से निकल रहे हो भैया, इसी में आप लोगों की भलाई है। अब एक बात और है, ये जो नेपाल के प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली, इनका नाम भ्रष्टाचार के मामले में भी आ चुका। चीन ने दरअसल इन्हें
41 करोड़ रुपए दे दिए हैं जो इनके स्विस बैंक अकाउंट में जमा हो चुके हैं। देखने में ये भी मिला है कि जो केपी शर्मा ओली हैं, इनकी प्रॉपर्टी में जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं इनकी प्रॉपर्टी में लगातार बढ़ोतरी होते ही जा रही है। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी जो चीन से इन्होंने पीपीई किट से लेकर जो जरूरी जांच के यंत्र थे वो कई करोड़ों में खरीदे, उसकी जो कीमत थी उसकी जो एक्चुअल कीमत थी उससे कई ज्यादा कीमत चीन ने वसूली है, जिसमें से कई चीजें तो खराब क्वालिटी की थी। यहाँ तक कि नेपाल को जो चीन ने एयरक्राफ्ट बेचा था ना वो भी घटिया क्वालिटी का नहीं। बस नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली अपनी इन्हीं सभी कमियों को छुपाने के लिए लगातार भारत के ऊपर बंदूक चलाए जा रहे हैं, कभी बातों से तो कभी किसी और तरीके से, कभी नेपाली आर्मी की ट्रेनिंग शुरू करवा देते हैं, कभी भारत पर कोरोना का इल्जाम लगा देते हैं, कभी वो नेपाल की संसद में भारत को अपनी जमीन का हिस्सा बताकर वहां पे मैप लॉन्च कर देते हैं। लेकिन उनकी जो खुद की जमीन है नेपाल की, तिब्बत पर सड़क बनाने के बहाने जो चीन ने हड़प ली है, उस पर केपी शर्मा ओली का कुछ भी नहीं कहना है। और भाई जब इनको कुछ नहीं मिला तो केपी शर्मा ओली ने भगवान श्री राम को नेपाली बता दिया। अब देखिए जो नेपाल और भारत के बीच में जो भी ये कोल्ड वॉर चल रहा है ना, इसमें न भारत के लोगों की गलती है और न वहाँ के नेपाल के जनता की गलती है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कॉमेंट में जाकर, जो नेपाल और भारत के लोग हैं ना, वो कमेंट में जाकर सोशल मीडिया पर जाकर ना डिजिटल युद्ध शुरू मत करो यार। नेपाल और जो इंडिया के लोग हैं ना, ये आपस में इनकी बहुत अच्छी बनती है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो इस मौके पर केपी शर्मा ओली की जो गलतियां हैं ना, उस बहाने आपस में मत, एक दूसरे की रिस्पेक्ट। और जैसे यहाँ पर कुछ खुरापाती लोग हैं ना, वैसे नेपाल में भी कुछ खुरापाती लोग हैं जो सोशल मीडिया पर एक दूसरे के देश को और प्रधानमंत्री को गाली देने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को इग्नोर करो और आगे बढ़ो। तो दोस्तों ये रहा एक छोटा सा विश्लेषण, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, जो भारत के विरुद्ध लगातार ऐसे बचकाने से बयान दिए जा रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।